दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्रॉब्लम जो आप इंतज़ार करते हो, पिकअप का। जो पिकअप का प्रॉब्लम लेके आया हो ये हमारे रहीम भाई है, इनकी गाड़ी है। देख सकते हो पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है गाड़ी का, वो इन्हीं की गाड़ी है। रहीम भाई है इनका नाम। तो अभी इनसे भी बात करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है दोस्तों कि हम एक्सीलेटर दे, जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं सर्विस लाइट तो आ नहीं रहा है, तो हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, जब सर्विस लाइट आ रहा है तो सर्विस लाइट आने के बाद दोस्तों पिकअप तोड़ रहा है गाड़ी और 60 के ऊपर नहीं जा रहा है ना, 60 के ऊपर नहीं जा रहा है ना, 40 के ऊपर नहीं जा रहा है दोस्तों। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसा प्रॉब्लम है इसका, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख सकते हो अभी मीटर का लाइट बंद है, क्योंकि इग्निशन ऑफ है, चाबी बंद है इसका। तो अभी हम चाबी स्टार्ट करेंगे, फिर इसका लाइट देखेंगे सर्विस लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए आप वीडियो को एंड तक, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों हम इग्निशन ऑन करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, देखिए दोस्तों लाइट कोई नहीं आ रहा है, सर्विस लाइट नहीं आ रहा है, ना इजियर का माल फंक्शन लाइट आ रहा है, ना हीटर का लाइट आ रहा है। सिर्फ दो लाइट तो आता ही है, एक बैटरी का और एक ये ऑयल का, ऑयल प्रेशर स्विच का लाइट जो आप देख सकते हो राइट साइड में। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देखते हैं सर्विस लाइट आता है या नहीं आता है। ये भाई तो बोल रहे हैं रहीम भाई के गाड़ी चालू करने के बाद ही ये लाइट आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों ये फ्यूल सेंसर का लाइट आ चुका है खड़ी गाड़ी में। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम। तो देख सकते हो दोस्तों गाड़ी चालू करने के बाद सब लाइट चला गया है, एक भी लाइट दिखा नहीं रहा है। अभी हम रेस करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों सर्विस लाइट आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, अभी हम रेस करके देखेंगे पिकअप आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों हाफ पिकअप ले रहा है इसका। तो दोस्तों हाफ पिकअप ले रहा है इसका मतलब गाड़ी सही में 40 में भागता होगा। तो अभी हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हो आप ये प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पिकअप का प्रॉब्लम। 40 की स्पीड पे नहीं जा रहा है गाड़ी। तो प्रॉब्लम क्या है देख सकते हो आप, यहाँ का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये जो फ्यूल सेंसर आता है इसको, ये ख़राब हो चुका है, इसको हम लोग नया चेंज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर दोस्तों, ये फ्यूल सेंसर इसका ख़राब हो चुका है। तो चलिए अभी हम उसको चेंज करते हैं, तब तक के दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए। पहले हम ये सॉकेट काटेंगे कपलर, उसके बाद ये जो सेंसर आता है उसको ऐसा घुमाना रहता है लेफ्ट साइड में इस तरह। तो देखिए दोस्तों ये इसको बोलते हैं फ्यूल सेंसर, दिखाओ इधर रहीम भाई। ये फ्यूल सेंसर है दोस्तों, इस तरह आता है और यहाँ पे कपलर लगता है। तो अभी हम नया डालेंगे,
तो ये वाला नया है दोस्तों, देख सकते हो आप, देख सकते हो दोस्तों आप, ये वाला नया है। तो अभी हम नया डालेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों उसको डालते हैं। दोस्तों उसको भी संभाल के लगाना रहता है, नहीं तो इसका आटा जो रहता है चूड़ी ये ख़राब हो जाता है, तो फिर ये ख़राब होने से तो फिर नया डालना पड़ता है दूसरा। तो दोस्तों उसको संभाल के लगाना चाहिए और उसको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना चाहिए, अगर ज़्यादा आप टाइट करोगे तो ये टूट सकता है। तो दोस्तों ये लग चुका है, अभी कपलर लगाएंगे दोस्तों, देख सकते हो आप दो कपलर है, एक वायरिंग में लगा रहता है और एक फ्यूल सेंसर के रहता है। तो अभी इसको लगाएंगे, तो देख सकते हो दोस्तों फिटिंग हो चुका है हमारा ये। तो अभी हम चेक करेंगे, पहले जो जितना डीजल गिरा है उसमें, तो अभी चाबी ऑन करेंगे, तब तक इसके अंदर डीजल भराएंगे, डीजल भरने के बाद स्टार्ट करेंगे हम गाड़ी। तो चलिए दोस्तों हम चालू करके चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी इग्निशन ऑन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी इग्निशन ऑन करेंगे हम, तो देख सकते हो दोस्तों सर्विस लाइट भी नहीं आ रहा है, ना फ्यूल सेंसर का लाइट आ रहा है, ना माल फंक्शन का लाइट आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों अभी तो कोई लाइट नहीं आ रहा है। रहीम भाई ने बोला था गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही ये लाइट आता है, जैसा कि आपने देखा है इसके पहले। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे सर्विस लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों वीडियो में बने रहे। वापस गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो देख सकते हो दोस्तों अभी कोई लाइट नहीं आ रहा है। अभी हम रेस करेंगे, थोड़ा एक्सीलेटर देंगे, तो कोई लाइट नहीं आ रहा है दोस्तों। अभी वापस एक्सीलेटर देके रेस करेंगे, तो देख सकते हो दोस्तों प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग ने फ्यूल सेंसर जो आता है उसको चेंज किया है, तो प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो गया है। तो चलिए दोस्तों अभी जो गाड़ी के ओनर है रहीम भाई उनसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखा आपने ये प्रॉब्लम, ये जो गाड़ी खड़ी है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो अभी ये रहीम भाई है गाड़ी के ओनर, इनसे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम की वीडियो इसके लिए डालते हैं क्योंकि आपको भी सपोर्ट मिले, आपका प्यार हमको मिलता रहे, आपका सपोर्ट हमको मिलता रहे और आप प्रॉब्लम में ना फंसो। तो दोस्तों तो चलिए अभी रहीम भाई से जो है गाड़ी के ओनर उनसे हम बात करेंगे, उनको हमारा काम कैसा लगा। इससे पहले भी ये आए थे, हमारा काम उनको अच्छा लगा था, फिर भी एक बार आपके सामने इनसे बात करते हैं, इनको हमारा काम कैसा लगा, इनकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था ये खुद बताइए। तो रहीम भाई आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था ये सबसे पहले हमारे दोस्तों को बताओ। सबसे पहले तो मैं दोस्ती मोटर के जितने भी कारीगर है और हेल्पर है और सबको मैं धन्यवाद कहूँगा, सामने देखिए सबको मैं धन्यवाद कहूँगा। और इससे पहले भी एक बार आया था गाड़ी लेके, तो इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा था और इन्होंने मेरा प्रॉब्लम जो था जो बाहर 30,000-35,000 बहुत बता रहे थे मैकेनिक लोग, तो इन्होंने मेरा काम 500 रुपये में कर दिया था और इतना था फोल्ड का बाहर बहुत ज़्यादा बता रहे थे और इन्होंने मुझे संतोष कर दिया था। और दोबारा मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आया है कि मेरी गाड़ी में सर्विस लाइट आ रही थी और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी, ये कल से मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मैंने किसी और गैरेज में नहीं गया और एक दिन ऐसी गाड़ी चलाया धीरे धीरे और आज यहाँ पर इनके गैरेज पर लेके आया हूँ, तो इन्होंने गाड़ी को देखते ही बता दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम है
और सीधा उसी पॉइंट के ऊपर पकड़ के और मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम सोल्व किया है। इसके लिए मैं दोस्ती मोटर के जो मुश्ताक भाई है उनको बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई। तो देख सकते हो दोस्तों, आप देखा आपने, ये रहीम भाई है हमारे कस्टमर। तो इन्होंने प्रॉब्लम हमारा देख लिया है, काम कर कैसा हम लोग करते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी गाड़ी परेशान कर रही है तो आप भी आ सकते हो, आपका प्रॉब्लम 100% सोल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं। दोस्ती मोटर हमारा सूरत में है, तो आप आ सकते हो। देखा आपने तो देखा होगा कितनी दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं और खुश होकर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप कितनी भी दूर हो, अगर आपको आ नहीं सकते हो, आपकी गाड़ी आ नहीं सकती है, तो हमें कॉल करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल करके भी आप हमें बुला सकते हो और दिए हुए एड्रेस पे आप आ सकते हो। दोस्तों अगर आपको सामान मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करके भी मंगा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी करके भी आप मंगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करके भी देते हो दोस्तों। नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर भी है और एड्रेस भी दिया हुआ है, आप एड्रेस पर भी आ सकते हो या फिर कॉन्टेक्ट करके भी हमें सामान मंगवा सकते हो, या तो फिर हमें बुला सकते हो, या फिर आप खुद आ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। हमारा कौन सा वीडियो, कौन सा पार्ट अच्छा आपको अच्छा लगा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।